तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमको बताएंगे एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि बिल्कुल फ्री है, जहाँ पे आप वीडियो एडिट कर सकते हैं। वीडियो में आवाज हटा सकते हैं, वॉल्यूम हटा सकते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हैं, वीडियो क्रॉप कर सकते हैं, वीडियो में इफेक्ट डाल सकते हैं, वीडियो में ट्रांजेक्शन डाल सकते हैं। इसी तरह के सारे काम आप वीडियो एडिटर में जो होता है वो सारा काम आप कर सकते हैं एक फ्री सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जहाँ पर आपकी वीडियो का वीडियो में ना कोई वाटर मार्क रहेगा, ना कभी भी कहीं भी एक रुपया आपको पेमेंट करना होगा, वो भी आपका वीडियो HD क्वालिटी में होगा, हाई क्वालिटी में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में, जानते हैं वो वीडियो सॉफ्टवेयर के बारे में और उसमें किस तरह एडिट करते हैं उसके बारे में। तो उसके लिए आप नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, उस लिंक पर क्लिक करेंगे या आप ऑफिस ब्राउजर में सर्च करेंगे opensuite.org। सॉफ्टवेयर का नाम है opensuite, ठीक है, वीडियो एडिटर। तो आप वेबसाइट पर, वेबसाइट पर आ जाने का उसका सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे इनका वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे डाउनलोड बटन है, यहाँ डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह सर्टिफिकेट दिखेगा, और यहाँ पे आप 32 बिट और 64 बिट दोनों के लिए कर सकते हैं। ये 32 बिट का है जो विंडोज 7, 8, 10 के लिए है। अगर आपका सिस्टम 64 बिट है तो यहाँ पे 64 बिट पे क्लिक करेंगे। तो मेरा 32 बिट है, 32 बिट का डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली से आपका जो सॉफ्टवेयर है ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है, मैं देखिए डाउनलोड स्टार्ट हो चुका। उसी के साथ अगर आपका 64 बिट का कंप्यूटर है, सिस्टम है, तो यहाँ पे 64 बिट भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए 64 बिट वाले भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड हो जाने के बाद अब चलिए देखते हैं और किस तरह इसे इंस्टॉल करके किस तरह इस पर एडिटिंग करते हैं वो सिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रही, मैंने यहाँ पे opensuite एप्लीकेशन जो इसको डाउनलोड कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं डाउनलोड करता, अब इसे मैं इंस्टॉल करूँगा, राइट साइड करूँगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा। उसके बाद इस सॉफ्टवेयर को मैंने डाउनलोड किया, अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। उसके बाद यस आएगा, यस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करने को बोला, यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो फिर इस टाइप का यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आई एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए बोला, सी मेल सेव होने देंगे, उस पर नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे डैशबोर्ड पे इसका आइकन दिखाना चाहते हैं, इस पर टिक मार्क लगाएंगे, उस पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब ये हमारा सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो रहा है, ये देख लीजिए। तो अब जैसा कि देख पा रही, ये इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हम पूरे यहाँ तक जाने देते, उसके बाद ये कंप्लीट हो चुकी है। जब पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ये सॉफ्टवेयर का यहाँ पे देखिए एक आइकन बन चुका है, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो चुका है। अब यहाँ पे हम इसको ओपन करेंगे, वीडियो एडिटिंग करने के लिए, कोई भी वीडियो एडिटिंग करने के लिए फ्री बिना लोगो वाटर मार्क का यहाँ पे आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इंस्टॉल कर चुका, मैं इसे ओपन भी करके दिखाता हूँ आपको और एडिटिंग करके भी दिखाता हूँ कैसे इसमें एडिटिंग कर। तो दोस्तों सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड को इस तक देखने को मिलेगा। जिसे ओपन करें सबसे पहले इनकी सेटिंग के बारे में आपको बता देते हैं। यहाँ पे जो ये जो फाइल आप सेलेक्ट कीजिएगा, ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, वो सारा यहाँ पे शो करेगा। ऑडियो क्लिक करके ऑडियो फाइल जितनी सेलेक्ट किए, वीडियो क्लिक करके वीडियो फाइल जितने सेलेक्ट किए, इमेज जितने सेलेक्ट किए, वो सब यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन, अपनी वीडियो में ट्रांजेक्शन यूज कर सकते हैं, इफेक्ट अपनी वीडियो में यूज कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आप ट्रैक, यहाँ पे देखिए 5 ट्रैक दिया गया, और ट्रैक चाहिए तो यहाँ पे प्लस करके ट्रैक को ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पे वीडियो को क्रॉप कर सकते हैं, ऐड वाटर मार्क कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये टाइमलाइन है वीडियो का, ऑडियो का टाइमलाइन आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन, जैसे फाइल है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बना सकते हैं, ओपन प्रोजेक्ट, और यहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट फाइल चूज वगैरह बहुत सारे यहाँ पे आपको स्पोर्ट वगैरह मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एडिट का भी मिलता है, अंडो और क्लियर हिस्ट्री,
और यहाँ पे टाइटल है, एमिनेशन टाइटल है और व्यू है। उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको ओपन प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट मिलता है, सेव प्रोजेक्ट मिलता है और इंपोर्ट फाइल, चूज प्रोफाइल, फुल स्क्रीन और एक्सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे चलिए वीडियो रिकॉर्ड, वीडियो एडिटिंग करने के लिए सबसे पहले जो भी वीडियो एडिट करना चाहते हैं यहाँ पे प्लस आइकन है, यहाँ पे देख लीजिए प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट फाइल। ठीक है, प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपका जो जहाँ पे आपका वीडियो फाइल रखा हुआ है उस वहाँ से आपको वीडियो, अपनी वीडियो को सिलेक्ट करना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मैं चैनल का एक इंट्रो, मेरा चैनल का जो इंट्रो है मैं इसे ओपन कर लिया, क्योंकि वीडियो के फर्स्ट में स्टार्टिंग में हम चैनल का इंट्रो लगाना चाहते हैं। ठीक है, उसी के साथ और दूसरा वीडियो हम यहाँ पे लगा देंगे और मैं आपको उदाहरण के लिए यहाँ पे मैं तीसरा वीडियो लगा दिया और यहाँ पे मैं चौथा वीडियो यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे चार वीडियो आ गए। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर में ट्रिक फाइव है। ठीक है, ट्रिक फाइव, ठीक है, अगर आप चाहते हैं इसमें ट्रिक आपका ज़्यादा हो जाए, मतलब ज़्यादा ऑडियो लगाना है, ज़्यादा वीडियो लगाना है, मतलब कि ज़्यादा ऑडियो फोटो वगैरह लगाना है, तो ट्रिक बढ़ा सकते यहाँ से। ठीक है, ट्रिक क्या होता है हम आपको दिखाते हैं। दिस ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, चारों पार्ट को हम ऐड करके एक पार्ट में बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट पे क्लिक करेंगे, उसको स्क्रॉल करके नीचे ट्रैक फाइव में इंटर करेंगे और इसको हम स्टाइल यहाँ पे इधर सटा देंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में उसी तरह यहाँ पे वीडियो का दूसरा पार्ट लेंगे, उसी तरह यहाँ पे वीडियो का दूसरा पार्ट को सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल करके यहाँ पे इस वीडियो के बगल में साइड में लाके लगा देंगे, इस तरह यहाँ पे वीडियो को सटा देंगे और यहाँ पे फिर तीसरा पार्ट लाएंगे, यहाँ पे वीडियो के बगल में यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, ये देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा है तो यहाँ तक आ रहा है, अगर चाहते हैं इसको आप यहाँ से छोटा कर दीजिए, वीडियो छोटा नहीं होगा बल्कि ये थंबनेल में छोटा दिखेगा। उसी के साथ यहाँ पे फिर चौथा वीडियो लेंगे, फिर यहाँ पे ये देखिए ये चारों वीडियो मैंने एक दिन दे दिए, ये चारों वीडियो अभी एक्सपोर्ट करेंगे ज्वाइंट हो जाएगा और यहाँ से हम वीडियो प्रीव्यू करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह वीडियो को प्रीव्यू कर सकते हैं। ठीक है, अब चाहते हैं कि ये जो वीडियो है इस वीडियो का ऑडियो हटाकर हम एक बैकग्राउंड वीडियो लगाना चाहते हैं, इस वीडियो में जो ऑडियो उसको ऑडियो हटा के एक दूसरा हम बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वीडियो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वीडियो सिलेक्टेड हो चुका है और वीडियो के राइट साइड क्लिक करेंगे, यहाँ वॉल्यूम है और यहाँ पे स्टार्ट ऑफ क्लिप है और नीचे में यहाँ पे लेवल है 100, 90, 80, 70, मतलब कि कितना परसेंट आप आवाज़ रखना चाहते हैं। अगर पूरी आवाज़ हटाना ही चाहते हैं तो वॉल्यूम 0% को सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये वीडियो में जो आवाज़ थी, जो वॉल्यूम तो वो हट गई है, देखिए पूरी वीडियो सिर्फ वीडियो है, वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, अब चाहते हैं इसी वीडियो में एक बैकग्राउंड म्यूजिक लगाने के लिए, उसके लिए यहाँ पे एक प्लस आइकन है, प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से एक बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेंगे, जहाँ पे भी आपका बैकग्राउंड म्यूजिक रखा होगा उस बैकग्राउंड म्यूजिक को आपको यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड म्यूजिक को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए म्यूजिक भी आ चुका, इस म्यूजिक को हम यहाँ पे वीडियो देखिए ट्रैक फाइव में वीडियो है तो म्यूजिक को हम ट्रैक फोर में देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए म्यूजिक को स्क्रॉल करके नीचे ट्रैक फोर में इंटर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पे फाइव में वीडियो है और फोर ट्रैक में एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए वीडियो यहीं तक है लेकिन ऑडियो ज्यादा हो रहा है। ठीक है, ऑडियो को आप इस तरह यहाँ पे छोटा कर सकते हैं, इसको देखिए वीडियो को अपने हिसाब से ऑडियो रख सकते हैं। ठीक है, अब जो हम वीडियो यहाँ पे प्ले करेंगे, बैकग्राउंड म्यूजिक बोल रहा है, लेकिन अगर म्यूजिक बैकग्राउंड म्यूजिक की आवाज को कम ज्यादा करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो ये है म्यूजिक, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट साइड क्लिक करेंगे, वॉल्यूम पे जाएंगे और स्टार्ट ऑफ क्लिप पे जाएंगे, कितने परसेंट बढ़ाना चाहते हैं, 100% वॉल्यूम को ज्यादा देना चाहते हैं आवाज़, तो यहाँ पे 100 कर देंगे। उसके बाद फिर से यहाँ पे करेंगे वीडियो में ऑडियो का जितना आवाज था फुल आवाज यहाँ पे आ गया। अगर आप आवाज कम करना चाहते हैं तो उसी तरह आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे, वॉल्यूम पे जाएंगे, स्टार्ट ऑफ क्लिप पे यहाँ पे कितना परसेंट कम करना चाहते हैं, ज्यादा करना चाहते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो में ऑडियो हटाना और एक बैकग्राउंड ऑडियो जोड़ना आप सीख गए। ठीक, अब मान लीजिए ये हमारा वीडियो है, ये हमारा वीडियो, इस वीडियो के बीच से हम कोई पार्ट को हटाना चाहते हैं, उसके लिए हम इसको बड़ा करेंगे ताकि देखिए ये पार्ट है,
ये वीडियो इस वीडियो के बीच वाले पार्ट में, बीच में मैंने कुछ गलत बोल दिया था तो उसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इस वीडियो का पार्ट को डिलीट करना, तो इस वीडियो को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से यहाँ है क्रॉप टूल, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ देखिए ये वीडियो स्टार्टिंग यहाँ से यहाँ तक अगर हम क्रॉप करना चाहते हैं इस पर क्लिक करेंगे, ये जो पार्ट है ये पार्ट एक अलग हो गया, ठीक है, इस वीडियो से कट के ये अलग एक पार्ट बन गया, ठीक है। अब इसको हम डिलीट करना चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, तो उसके लिए हम फिर इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव क्लिप पे क्लिक करेंगे। अब ये वीडियो का जो पार्ट था वो डिलीट हो गया, अब फिर इसको हम इसे सटा देंगे, ठीक है। अब वीडियो रेडी हो चुका है, जो पार्ट डिलीट करना डिलीट हो चुका है। अब देखिए एक वीडियो खत्म होने के बाद दूसरा वीडियो आए तो वहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन दिखाई, कुछ डिज़ाइन अच्छे, यहाँ बहुत सारे आपको मिल जाते हैं ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन आप दिखना चाहे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन यूज करता हूँ अभी, तो ये वाले ट्रांजेक्शन को मैं सेलेक्ट किया और इस ट्रांजेक्शन को हम स्क्रॉल के नीचे यहाँ पे दोनों वीडियो के अंतिम में ले आए, यहाँ आप देख लीजिए मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, इस तरह यहाँ पे छोटा करेंगे, दोनों वीडियो जहाँ पे ज्वाइंट होती है वहाँ पे आपको यहाँ ये करना है। और मैं यहाँ पे आपको प्रीव्यू करके भी दिखा देता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन वीडियो अच्छे से आपको सीखना है, इस तरह की, क्योंकि ये मेरा वीडियो जो मैं बता रहा था ये वीडियो है, ठीक है। और यहाँ पे इसको पूरा नहीं सटा था इसलिए फिर से हम जैसे ये वीडियो खत्म होगी देखिए हम वीडियो चला के दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये वीडियो है, ये वीडियो किस तरह यहाँ पे वीडियो कन्वर्ट होता है, एक वीडियो से दूसरी वीडियो जाता हुआ, ठीक है। यहाँ पे अब दूसरी वीडियो के बीच में भी मैं एक ट्रांजेक्शन लगाना चाहती हूँ, हम ट्रांजेक्शन क्लिक करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन लगाना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और उस ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे लाके यहाँ पे वीडियो जहाँ पे खत्म होता है दूसरा वीडियो जहाँ पे स्टार्ट होता है वहाँ पे लगा देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आपको ये जो फोटो आ रहा है वो फोटो आ रहा है जो कि ऑडियो में लगा हुआ है, ऑडियो के बैकग्राउंड में जो फोटो लगा वो आ रहा है, इसलिए हम इसे भी हटाएंगे। उसके लिए यहाँ पे छोटा सा हम इसको पूरी छोटा कर देंगे, वीडियो को ज्वाइंट करेंगे पहले और ये जो ट्रांजेक्शन है इस ट्रांजेक्शन को हम पूरी तरह इस तरह, मतलब कि जहाँ पे एक वीडियो खत्म होती है दूसरा वीडियो ज्वाइंट होती है वहीं पर हम इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा सा वीडियो लंबा हो ही जाएगा लेकिन वीडियो में आपको सिखाऊंगा अच्छे तरह। याद ये वीडियो खत्म हो रही है और यहाँ देखिए फिर ये वीडियो ज्वाइन हो रही है। अब यहाँ पे हम वीडियो को प्रीव्यू करेंगे, ठीक है। तो इस तरह जहाँ पर भी आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं इफेक्ट भी लगा सकते हैं, और यहाँ देखिए इफेक्ट है ठीक है। और इस तरह आप अपने वीडियो को एडिटिंग कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। आज के इस वीडियो में आपने सीखा वीडियो को किस तरह क्रॉप करते हैं और वीडियो की ऑडियो सॉन्ग को हटा के किस तरह एक ऑडियो बैकग्राउंड लगाते हैं, उसी के साथ साथ वीडियो में किस तरह ट्रांजेक्शन लगाते हैं, किस तरह इफेक्ट लगाते हैं। अब हमारा ये वीडियो बनकर रेडी है, ठीक है, जहाँ पे मैंने आपको ऑडियो भी लगाना सिखा दिया। अगर चाहते हैं इसी के साथ और वीडियो लगाएंगे उसके लिए अलग ट्रैक इस्तेमाल करना होगा, ट्रैक 5 है, सबसे पहले आपको ट्रैक 5 में वीडियो देना है, उसके बाद ट्रैक 4 है, ट्रैक 3 है। अगर आपको ज़्यादा लंबा वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो ट्रैक आपको बढ़ाना होगा, उसके लिए आप प्लस एडिट करेंगे ट्रैक बढ़ जाएगा, ठीक है, या इसी तरह देख लेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो हो चुका,
ठीक है। तो अब ये हमारा वीडियो बन चुका है। अगर आप चाहते हैं इसे अभी सेव आप नहीं करें बल्कि ये प्रोजेक्ट को ही सेव कर दें ताकि बाद में भी आप कभी एडिट कर सकते हैं इस वीडियो को, तो यहाँ पे फाइल्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेव प्रोजेक्ट, ठीक है। सेव प्रोजेक्ट पे आपको क्लिक कर देना होगा। सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, इस एरिया सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पर सेट करेंगे, यहाँ पे आपको नेम देना होगा। उसके बाद यहाँ पे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद जब भी आप फिर से वीडियो एडिटर ओपन करेंगे उस वीडियो को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। फिर से वीडियो एडिट करने के लिए आपको यहीं पे आना होगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट है, ओपन प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे और वो फाइल जो आपने सेव किया था वो आपको सेलेक्ट कर लेना ताकि फिर वैसा ही यहाँ पे एडिटिंग आ जाए, ठीक है। अब ये हमारा वीडियो एडिटिंग कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ वीडियो को हम प्रीव्यू करके भी पूरे तरह से देख सकते हैं वीडियो हमारा किस तरह एडिट हुआ है, किस तरह देखने को मिल रहा है, ठीक। उसी के साथ साथ अगर आप वीडियो सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक लाल बटन है जिसको एक्सपोर्ट बटन कहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे। वीडियो मेरा सेव बन चुका, रेडी हो चुका, अभी सेव करेंगे। यहाँ पे फाइल नाम, यहाँ क्या है वीडियो का एक नाम देने के लिए, वीडियो का जो भी नाम देना चाहे आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एरिया सेलेक्ट करने के लिए, आप इस वीडियो को कहाँ सेव करना चाहते हैं वो सेलेक्ट करेंगे एरिया। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसी के साथ यहाँ फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं ऑल। यहाँ पे आपको क्वालिटी सेलेक्ट करना होगा, MP4 क्या, उसके बाद HD, उसके बाद क्वालिटी हाई या लो या मीडियम। उसी के साथ यहाँ पे एडवांस सेटिंग मिलता है, ऑडियो वीडियो दोनों होगा, एक्सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से आपको जो मैंने सेटिंग किया है वीडियो नाम देना है, पथ सेलेक्ट करना है कहाँ पर सेव करना, उसके बाद यहाँ पे क्वालिटी, उसके बाद साथ साथ यहाँ पे एक्सपोर्ट वीडियो पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप एक्सपोर्ट वीडियो क्लिक करके जैसे जितना बड़ा आपका वीडियो रहेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे समय लेगा कि देख पा रहे अब ये एक्सपोर्ट हो रहा है, ये 100% एक्सपोर्ट होगा। उसके बाद आपका वीडियो बढ़कर रेडी हो जाएगा, तो जितना बड़ा आपका वीडियो रहेगा उसी के हिसाब से यहाँ पे आपसे समय लेगा। फिर भी ये बहुत जल्दी काम करता और बहुत जल्दी एक्सपोर्ट भी कर देता है बिल्कुल फ्री में और विदाउट वाटर, बिना किसी वाटर मार्क के, अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पे देखिए वीडियो एक्सपोर्ट हो चुका है 100% और यहाँ पे डन है, तो डन कर दें। अब हमारा वीडियो सेव हो चुका है। अगर आप इसको क्लोज करेंगे, यहाँ पे इस डायरेक्ट क्लोज करेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि आप इस वीडियो को सेव करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप सेव कर ले फिर भी आपको दिखाएगा या नहीं किए फिर भी, अगर प्रोजेक्ट सेव करना चाहते यस करेंगे, अगर नहीं सेव करना चाहते नो करेंगे। अगर आप फिर एडिटिंग और कुछ करना है इसमें तो कैंसिल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको जो वीडियो एडिटिंग किए हैं अभी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए वीडियो एडिटर नाम से मैंने वीडियो सेव किया था, एक्सपोर्ट किया था अभी आपके सामने, वो वीडियो सेव हो चुका है। अब मैं इस वीडियो को ओपन करके दिखाता हूँ क्या वीडियो का क्वालिटी भी कम हुआ है, क्या वीडियो की वाटरमार्क वीडियो में लगा है, तो वो भी हम दिखा देते हैं। तो ये देखिए ये वीडियो है, ये वीडियो मैंने अभी आपके सामने एक्सपोर्ट किया था और ये वीडियो ऑडियो हटा गया, वीडियो का बैकग्राउंड लगाया था, बैकग्राउंड भी सुन लीजिए। ये मैंने डेमो के लिए एक वीडियो एक्सपोर्ट कर दिया था, ठीक है। वीडियो क्वालिटी भी कहीं पे कम नहीं हुई, आप देख पा रहे हैं वीडियो क्वालिटी भी कहीं पे कम नहीं हुआ है और ना कहीं पे वाटर मार्क लगा है, ना कहीं पे एक बुंदा भी कोई सॉफ्टवेयर का यहाँ पे दिया गया है। तो वीडियो सॉफ्टवेयर एडिटिंग बहुत अच्छा ये सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने आपको यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब चैनल की बेसिक जानकारी दिया, तो उसके बारे में मैं आपको वीडियो एडिटिंग करने के बता दिया और वीडियो स्क्रीन रिकॉर्ड कैसे करते वो भी मैं आपको बता दिया। और मैं आप नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा थंबनेल, एक बेस्ट अच्छी क्वालिटी का थंबनेल किस तरह बनाते हैं वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। इसीलिए आप अगर ये सब की जानकारी आपको चाहिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसी तरह के आप तरह के आपके काम की नॉलेज को जानकारी मैं आपके लिए इस चैनल पे लाते रहता हूँ। फिर मिलते हैं ऐसी नॉलेज जानकारी के साथ। अगर किसी प्रकार का आपको वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो वीडियो का टॉपिक आप हमें जरूर कमेंट कीजिएगा।